CAT 2021 स्लॉट 3 क्वेश्चन पेपर एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 15। ट्रायंगल्स का क्वेश्चन है ये, ट्रायंगल्स की बेसिक प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन है ये। तो कैसे करना था हमें इस क्वेश्चन को देखते हैं एक बार मिलके। इन ए ट्रायंगल एबीसी एंगल बीसीए इज 50 डिग्री। तो ट्रायंगल दिया हुआ है एबीसी करके, सो दिस इज ट्रायंगल एबीसी, दिस इज ट्रायंगल एबीसी एंड हियर इट इज ऑल्सो गिवन दैट कि एंगल बीसीए जो है, बीसीए ये वाला एंगल जो है ये 50 डिग्री है हमारा। मोरओवर डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन ए बी एंड ए सी, तो डी और ई दो पॉइंट है ए बी और ए सी पे, सच दैट ए डी इज इक्वल टू डी ई। तो ए डी जो है वो डी ई के इक्वल होना चाहिए, तो ई पॉइंट को कहीं भी यहाँ ले लेते हैं। तो बेसिकली डी ई लाइन जो है वो ये है और ए डी इज इक्वल टू डी ई हमें गिवन है क्वेश्चन में। इसके अलावा एफ पॉइंट है बी सी पे, एफ पॉइंट है बी सी पे सच दैट बी डी इज इक्वल टू डी एफ। तो एफ पॉइंट है कहीं भी बी सी पे सच दैट बी डी, बी डी इज इक्वल टू बी एफ, बी डी इज इक्वल टू डी, नहीं आई एम सॉरी, इसमें हमें इक्वल दिया हुआ है, इसमें हमें इक्वल ये नहीं, इसमें हमें इक्वल दिया हुआ है, इनको मिलाया गया है पहले और इसमें इक्वल दिया हुआ है बी डी इज इक्वल टू डी एफ। तो बी डी और डी एफ आपस में इक्वल है, बी डी और डी एफ आपस में इक्वल है। एंगल एफ डी ई बताना है हमें, तो ये वाला एंगल बताना है हमें एफ डी ई। तो देखिए कैसे करना था क्वेश्चन, क्वेश्चन आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पे है और बेसिक प्रॉपर्टी पे है, इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है ट्रायंगल में। तो इस क्वेश्चन में, हाँ जी, इस क्वेश्चन में, इस पूरे सवाल में कहता है वो कि ए डी ई जो है वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, उसकी दो साइड इक्वल है। तो प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर कोई दो साइड इक्वल है तो उसके सामने वाले एंगल भी इक्वल होंगे। तो डी ई के सामने अगर ये वाला एंगल एक्स है तो ए डी के सामने ये वाला एंगल एक्स होगा। तो तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, तो ये जो एंगल बच गया डी पे ये हो जाएगा हमारा 180 माइनस 2x। दिस एंगल कम्स आउट्स टू बी 180 माइनस 2x। सेम वे से अगर मैं ट्रायंगल बी डी ई में जाऊँ, बी डी एफ में जाऊँ, सॉरी बी डी एफ में, तो दो साइड इक्वल हैं तो इनके सामने वाले एंगल भी इक्वल होंगे। तो ये y होगा तो इसके सामने भी y होगा, तो ये y होगा। और अगर ये दोनों y हैं तो ये वाला एंगल आपका 180 माइनस 2y हो जाएगा, ये वाला एंगल आपका 180 माइनस 2y हो जाएगा, क्योंकि तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। और जो एंगल हमें निकालना है उसे z मान लेते हैं। तो अगर D पॉइंट पे आप कंप्लीट एंगल देखो तो इसे लीनियर एंगल बोलते हैं, तो ये कंप्लीट एंगल 180 होगा, ये कंप्लीट एंगल 180 है। तो क्या इस क्वेश्चन में, क्या इस क्वेश्चन में ये बोला जा सकता है कि 180 माइनस 2x प्लस जेड प्लस 180 माइनस 2y, 180 माइनस 2y क्या ये 180 के बराबर है, क्योंकि तीनों एंगल्स का सम ये पूरा 180 होगा। तो एक 180 से एक 180 कट जाएगा, 180 से 180 कट जाएगा और यहाँ जीरो हो गया। तो ये वैल्यू आएगी हमारी जेड, जेड का वैल्यू जो आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 2x और 2y उधर चले जाएंगे, तो ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई हो जाएगा, ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे और 180 नेगेटिव में माइनस 180। तो इसे इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं हम, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसके अलावा अगर मैं कंप्लीट ट्रायंगल में देखूं एबीसी में, अगर हम कंप्लीट ट्रायंगल में नजर मारें तो तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। तो एंगल x, एंगल y और तीसरा 50 है, तो तीनों एंगल्स का सम 180 है हमारा। तो x प्लस वाई का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 130 डिग्री, तो x प्लस वाई का वैल्यू 130 है, इसे इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं। तो जो ये x प्लस वाई का वैल्यू 130 है इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया जा सकता है, इक्वेशन नंबर 1 है ये ऊपर वाली। और z का वैल्यू निकाला जा सकता है क्योंकि z का वैल्यू पूछा था हमसे, तो z आना चाहिए हमारा यहाँ से, z आना चाहिए, z इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई विच इज 130 माइनस 180। तो वी कैन से सिंपली दिस इज 260, 260 माइनस 180, तो आंसर होना चाहिए क्वेश्चन का 80 डिग्री। तो 80 डिग्री सवाल का आंसर बनता है, आंसर ऑप्शन 2 मैच करता है, यही सवाल का सही आंसर है, आंसर ऑप्शन